फ्रेंड्स, आईपीएल 2020 का सीजन शुरू होने में अब केवल 6 दिनों का समय बचा है। इसी वजह से लगातार आईपीएल को लेकर बड़ी खबरें निकल कर आ रही है। आज एक बार फिर से आईपीएल को लेकर कुल 12 बड़ी खबरें, 12 बड़े अपडेट्स निकल कर आए हैं। मैं इस वीडियो में आपको सारी बड़ी खबरें और सारे बड़े अपडेट्स दूंगा। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, तो आप इस वीडियो को हमेशा की तरह अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी क्रिकेट के बड़े फैन, तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा माई 11 सर्कल के बारे में। एक बहुत ही बेहतरीन फैंटेसी ऐप है, जिसके अंदर बड़े दिग्गज सौरभ गांगुली, शेन वॉटसन और राशिद खान भी है। इसका गेम प्ले काफी ज्यादा ईजी है। इसके अंदर आपको अपनी बेस्ट प्लेइंग 11 बनानी होती है दोनों ही टीमों में से। अभी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की सीरीज चल रही है, जहां अगर आपकी टीम इन तीनों ही चैंपियन की टीम को बीट कर देती है, तो आपको विनिंग का 2 गुना ज्यादा कैश मिल जाएगा, सीधा अकाउंट में चला जाएगा। इसके अलावा इसके अंदर एक रमी सर्कल का भी बटन है, जो आपको बोर नहीं होने देगा, और उसके अंदर आप हजारों लाखों रुपए कमा सकते हैं। आपको पहले डिपॉजिट पर यहां 1500 रुपए का कैशबैक मिल जाएगा, और हमारे सब्सक्राइबर के लिए स्पेशल 20% कैशबैक है। तो नीचे दिए गए लिंक से आप जरूर डाउनलोड करें, लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आईपीएल 2020 के सीजन को लेकर जो आज 9 बड़ी खबरें निकल कर आई, इनमें जो सबसे पहली बड़ी खबर है वो है केकेआर की तरफ से। दरअसल केकेआर की टीम के तेज गेंदबाज हैरी ने लगभग 1 महीना पहले आईपीएल से बाहर हो गए थे। इसके बाद इस टीम ने डेविड विली और मुस्तफिजुर रहमान के साथ इनकी रिप्लेसमेंट के तौर पर कॉन्टेक्ट किया था। दोनों ही प्लेयर्स ने रिप्लेसमेंट बनने से मना कर दिया था, और कल एट द एंड इस टीम ने यूएसए यानी अमेरिकन बॉलर अली खान को अपनी टीम में इंक्लूड कर लिया है। दरअसल अली खान सीपीएल में शाहरुख खान की टीम यानी टीकेआर की तरफ से खेलते हैं, और वहां का प्रदर्शन देखकर अब इनको आईपीएल में एंट्री मिल चुकी है। हालांकि केकेआर की टीम के पास यहां पर स्पिन गेंदबाज लेने का भी विकल्प था। इवन शाकिबुल हसन भी अब आईपीएल के लिए अवेलेबल हो चुके हैं। शाकिबुल हसन को भी ये टीम ले सकती थी, पर एट द एंड इस टीम ने अली खान यानी एक फास्ट बॉलर को अपनी टीम में इंक्लूड किया है। आप कमेंट करके बताइए, आपके अकॉर्डिंग ये सही डिसीजन है या फिर नहीं, या फिर किसी अदर प्लेयर को लिया जा सकता था? आप कमेंट में उस प्लेयर का नाम जरूर बताइए। इसके साथ ही जो दूसरी बड़ी खबर निकल कर आई है वो ये आईपीएल की स्ट्रीमिंग को लेकर। दरअसल यहां पर जियो यूजर्स और एयरटेल यूजर्स के लिए बड़ी कुछ खबरें निकल कर आई। जिनके पास भी जियो की सिम है या फिर एयरटेल की सिम है, उनको यहां पर फ्री में आईपीएल 2020 का सीजन देखने को मिलेगा। दरअसल जिनके पास एयरटेल की सिम है, उनको केवल 401 रुपए का रिचार्ज कराना पड़ेगा, उसमें वो पूरा आईपीएल सीजन हॉटस्टार पर फ्री में देख पाएंगे। इसके साथ ही जिनके पास जियो की सिम है, उन्हें केवल 499 का रिचार्ज कराना पड़ेगा, उस रिचार्ज से वो 3 महीना आईपीएल हॉटस्टार पर केवल फ्री में देख पाएंगे। आप कमेंट करके बताइए, आपके पास कौन से ऑपरेटर की सिम है, कौन सी सिम के आप यूजर है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इसके साथ ही जो तीसरी बड़ी खबर निकल कर आई है वो आई है सीएसके की टीम के कोच एस बद्रीनाथ की तरफ से। दरअसल करंटली एस बद्रीनाथ सीएसके की टीम के कोचिंग स्टाफ के एक मेंबर है। इससे पहले ये सीएसके की तरफ से और आरसीबी की तरफ से आईपीएल खेल चुके हैं। दरअसल कल इन्होंने आईपीएल पर एक बड़ा स्टेटमेंट दिया। इन्होंने बताया कि जब आईपीएल का पहला सीजन था, 2008 के आईपीएल का ऑक्शन था, उस समय में सीएसके की टीम एमएस धोनी की जगह यहां पर वीरेंद्र सहवाग को अपनी टीम का कप्तान बनाना चाहती थी। इससे टीम ने सहवाग के साथ कांटेक्ट किया था, पर सहवाग ने बताया था कि वो दिल्ली की तरफ से आईपीएल खेलना चाहते हैं। सहवाग ने सीएसके का ऑफर ठुकरा दिया था। इसी के बाद एट द एंड इस टीम ने एमएस धोनी को अपना कप्तान चुना था, और एमएस धोनी को कप्तान चुने जाने के बाद इस टीम ने 3 आईपीएल खिताब जीत लिए, 1 चैंपियंस लीग का खिताब जीत लिया है। आप कमेंट करके बताइए, आपके अकॉर्डिंग क्या वीरेंद्र सहवाग को अगर सीएसके की टीम कप्तान चुनती, तो आज भी सीएसके की टीम उतनी सक्सेसफुल होती या फिर नहीं, आप कमेंट करके जरूर बताइए। इसके साथ ही जो चौथी बड़ी खबर निकल कर आई है वो ये विराट कोहली और डेविड मिलर की तरफ से। दरअसल कल इन दोनों ही प्लेयर्स ने एक शतकीय पारी खेली थी। दरअसल दोनों ही टीमों के प्रैक्टिस मैच हुए थे। हालांकि आरसीबी की टीम का प्रैक्टिस मैच हुआ था, जबकि जो राजस्थान रॉयल्स की टीम है, इन्हीं की टीम के बीच से 2 टीमें बनाकर इनका प्रैक्टिस मैच हुआ था। आप स्क्रीन पर वो फोटोज और वीडियोस देख पा रहे होंगे। दरअसल इन दोनों ही प्लेयर्स का आईपीएल से पहले यहाँ पर काफी अच्छा फॉर्म है। इससे पहले रोहित शर्मा और एमएस धोनी भी वार्म अप मैचेस में शतक मार चुके हैं। आप कमेंट करके बताइए, आपके अकॉर्डिंग आईपीएल 2020 के सीजन के दौरान इन सभी में से कौन सा प्लेयर आईपीएल का पहला 100 बनाएगा? सबसे पहले कौन से प्लेयर का 100 आईपीएल 2020 के सीजन में बनेगा? इसके साथ ही बात करते हैं पांचवी बड़ी खबर की। तो जो पांचवी बड़ी खबर है वो है सीएसके की पहले आईपीएल मैच को लेकर प्लेइंग 11 की। दरअसल सीएसके की टीम की अगर हम बात करें, होने वाले
पहले मैच की प्लेइंग 11 की, तो यहाँ पर फ्लेमिंग ने ये हिंट दे दिए कि किस तरीके की प्लेइंग 11 इस टीम के 19 सितंबर को जो एमआई के खिलाफ मैच होगा उसमें होगी। अगर हम बात करें इस टीम के ओपनर्स की, तो ओपनिंग में शेन वॉटसन और अंबाती राइडू हमें दिखने वाले, जबकि बात कर लेते हैं इनके मिडल ऑर्डर की, तो नंबर 3 पर फैफ ड्यू प्लेसी, नंबर 4 पर केदार जाधव और नंबर 5 पर इनके कप्तान एमएस धोनी दिखेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें इनके फिनिशर्स की, तो नंबर 6 पर ड्यूएन ब्राव, नंबर 7 पर रविंद्र जाडेजा दिखने वाले हैं। वहीं इसके बाद अगर हम बात करें इनकी टेल्स की यानी इनके गेंदबाजों की, तो नंबर 8 पर इमरान ताहिर, नंबर 9 पर पीयूष चावला, नंबर 10 पर दीपक चहर और नंबर 11 पर शार्दुल ठाकुर दिखेंगे। आप स्क्रीन पर सीएसके की टीम की प्लेइंग 11 देख पा रहे होंगे। 19 सितंबर को इसी प्लेइंग 11 के थ्रू ये टीम आईपीएल का पहला मैच खेलेगी। इसके साथ ही आप कमेंट करके बताइए आप कौन सी आईपीएल टीम की प्लेइंग 11 जानना चाहते हो, जिस भी टीम की प्लेइंग 11 के रिलेटेड सबसे ज्यादा कमेंट्स आएंगे कल सुबह वाली वीडियो में उस टीम की प्लेइंग 11 बताई जाएगी, तो आप सबसे अधिक कमेंट करें। इसके साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, ताकि कल सुबह आपकी फेवरेट टीम की जब प्लेइंग 11 वाली वीडियो आए तो आप मिस ना कर पाए। इसके बाद अगर हम बात करें छठी बड़ी खबर की, तो जो छठी बड़ी खबर निकल कर आई है वो ये केकेआर की तरफ से। दरअसल अब प्रवीण तांबे की रिप्लेसमेंट को लेकर पूरी तरीके से मोहर लग चुकी है। युजो पठान इनकी रिप्लेसमेंट बनेंगे और इंडिया में युजो पठान की अब कोविड 19 की टेस्टिंग भी शुरू हो चुकी है। सारा प्रोसीजर फॉलो करने के बाद, ये शुरुआती 2 से 3 मैचेस मिस करने के बाद केकेआर के लिए शुरुआती मैचों से ही अवेलेबल हो जाएंगे। हालांकि ये रिप्लेसमेंट अभी तक ऑफिशियल नहीं हुई है, पर आने वाले 2 से 3 दिन में ही ऑफिशियल हो जाएगा और युजो पठान हमें केकेआर की तरफ से खेलते हुए दिखेंगे। इसके साथ ही जो सातवीं बड़ी खबर निकल कर आई है वो ये विंडीज के प्लेयर्स को लेकर। दरअसल कल सभी विंडीज के प्लेयर्स दुबई के लिए रवाना हो चुके थे, आज सभी प्लेयर्स दुबई पहुंच चुके हैं और अब 6 दिन के क्वारंटाइन के बाद ये डायरेक्टली आईपीएल का पहला मैच हमें खेलते हुए दिखेंगे। यानी एमआई के लिए कायरन पोलार्ड और सीएसके के लिए ड्यूएन ब्रावो हमें पहले आईपीएल मैच में खेलते हुए दिखेंगे। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग इस आईपीएल सीजन में कौन सा वेस्टइंडीज का प्लेयर सबसे अधिक छक्के मारेगा, आप उस प्लेयर का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इसके साथ ही जो 8वीं बड़ी खबर निकल कर आई है वो ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व स्पिन गेंदबाज ब्रैड हॉग की तरफ से। दरअसल ब्रैड हॉग ने आईपीएल को लेकर लगातार काफी अधिक स्टेटमेंट्स दे दिए। इससे पहले उन्होंने बताया था कि आईपीएल 2020 के सीजन का फाइनल एमआई और आरसीबी के बीच होगा। अब इन्होंने बताया कि आईपीएल 2020 के सीजन के दौरान कुलदीप यादव और सूर्य कुमार यादव का काफी अच्छा प्रदर्शन रहेगा, जहां पर कुलदीप यादव को गेंद के थ्रू काफी अच्छा प्रदर्शन करने वाले है, जबकि सूर्य कुमार यादव ने पिछले 2 आईपीएल सीजन में लगातार एमआई की तरफ से 500 से भी अधिक रन बनाए है, तो उनका मानना है कि इस आईपीएल सीजन में वो 600 से भी अधिक रन बनाने वाले हैं। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग इन दोनों प्लेयर्स का कैसा प्रदर्शन इस आईपीएल सीजन में रहेगा। इसके साथ ही जो 9वीं और आखिरी बड़ी खबर निकल कर आई है वो ये यहां पर केविन पीटरसन की तरफ से। दरअसल केविन पीटरसन ने भी अपनी प्रेडिक्शन कर दी है और इन्होंने बताया कि आईपीएल 2020 का सीजन दिल्ली कैपिटल्स की टीम जीतेगी, जहां पर सभी क्रिकेट एक्सपर्ट्स एमआई, सीएसके, आरसीबी जैसी टीमों का नाम ले रहे थे। इन्होंने यहां पर दिल्ली कैपिटल्स का काफी चौंकाने वाला नाम बताया है। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग कौन सी टीम आईपीएल की चैंपियन बनेगी। इसके साथ ही हमारी इस वीडियो करें लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।